Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learning Mania. आज हम करने जा रहे हैं Footprints Without Feet Class 10 का Chapter 8, The Hack Drive, written by Sinclair Lewis. यहाँ आप जैसा कि नाम से ही clear है कि we are going to read about a hack and a driver. Hack क्या होती है आप देख सकते हैं screen पर अपनी. एक तरीके का घोड़ा गाड़ी होता है ये, जहाँ पर कि घोड़े से किसी गाड़ी को खींचा जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द चैप्टर. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म. आई वाज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. अब यहाँ नरेटर इज ऑल्सो द राइटर. तो नरेटर ये बता रहा है कि जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया अपना लॉ के अंदर तो उसने सोचा, ऑब्वियसली जब हम लॉ करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि वी विल बी अ लॉयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन लॉ. तो उसको भी यही था कि अब मैं एक लॉयर बन चुका हूँ तो मैं एज अ लॉयर प्रैक्टिस शुरू करूंगा. लेकिन वहां क्या हुआ, उसने एक बहुत बड़ी लॉ फर्म को ज्वाइन किया बट एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क. ही वॉज नॉट वर्किंग एज अ लॉयर देयर. और वहां पर उसको ऑब्वियसली जब उसको लॉयर के तरीके से अपॉइंट नहीं किया गया है तो उसको क्लर्क के काम करने पड़ रहे थे. तो वहां पर उसको लीगल ब्रीफ्स बनाने पड़ रहे थे और मेन काम उसका क्या था कि समन सर्व करने जाना पड़ता था उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह. समन्स क्या होते हैं, एन ऑर्डर टू अपियर बिफोर अ जज और अ मैजिस्ट्रेट. जब कोर्ट में कोई केस ट्रायल में चल रहा होता है और उसके लिए अगर कोर्ट को किसी भी पर्सन की एज अ विटनेस जरूरत हो या फिर कोई क्रिमिनल हो जिसके लिए कोई किसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया गया हो तो उसको समन्स भेजे जाते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माय विक्टिम्स. सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. और इस काम के लिए समन सर्व करने के लिए वो कहता है मुझे शहर की गंदी गंदी जगहों पर, ऐसे जगह पर जाना पड़ता था जो गंदी होती थी, शैडोई मतलब अंधेरे से भरी होती थी, जहां पर मुझे विक्टिम्स को ढूंढना होता था. सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप. और उनमें से कुछ तो इतने ज्यादा मुझसे लार्जर, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ वाइज कहा गया कि इतने ताकतवर होते थे और इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे कि वो मुझे पीट भी डालते थे. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. और मुझे ये काम नापसंद था और साथ ही साथ शहर का जो साइड ये मेरे सामने रिवील करते थे, खोलते थे, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. I even considered fleeing to my hometown. कई बार मैंने यहाँ से भाग जाने का भी सोचा कि अपने गांव, अपने hometown चला जाता हूँ. Where I have been a real lawyer right away, without going through this unpleasant training period. और वहाँ मैं बिल्कुल directly एक lawyer की तरह काम करूँगा. मुझे ये unpleasant, मतलब ये भद्दा सा जो मेरा training period चल रहा है as a junior assistant, वो मुझे face नहीं करना पड़ेगा. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Milan to serve summons on a man called Oliver Lutkin. तो आखिरकार वो दिन आ गया और मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे वहां शहर से 40 मील दूर पर एक गांव में भेजा गया जिसका नाम था न्यू मिलन. और वहां पर मुझे समन सर्व करने थे एक आदमी को जिसका नाम था ओलिवर लटकिंस. We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters. उसे उस व्यक्ति की, ओलिवर लटकिंस की, हमें एक लॉ केस में जरूरत थी एज अ विटनेस. वो चाहिए था उन नरेटर की फर्म को, लेकिन उसने इससे पहले भेजे हुए सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था. When I got to New Milan, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. और जब मैं न्यू मिलन पहुंचा तो मैं बड़ा ईगर था. ये मुझे था कि मैं गांव में जा रहा हूँ, कंट्री प्लेस होगा, बड़ी प्लीजेंट साइट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि ग्रीनरी होती है, शांति होती है गांव की, का हम जब एक माहौल सोचते हैं तो. लेकिन जब उसने वहां पर वो उसकी सराउंडिंग्स देखी तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया. इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. जब वो वहां गया तो उसने देखा कि जो गलियां हैं वो कीचड़ से भरी हुई हैं और रोड की जो दोनों तरफ वुडन शॉप्स बनी है या तो उनके ऊपर कोई पेंट ही नहीं हो रहा, अगर पेंट हो रहा है तो वो ब्राउन कलर का जिसमें से सीलन का सा स्मेल आ रहा है. तो ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वाज अ डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. और अग्रीएबल साइट मींस द प्लेजेंट साइट जो उसको उस जगह पर जाकर दिखी वो थी वो डिलीवरी मैन जो स्टेशन पर खड़ा था. ही वाज अबाउट 40, रेड फेस, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडिल.
अब यहाँ पर ये उसका फिजिकल अपेरेंस डिस्क्राइब कर रहा है नरेटर कि वो लगभग 40 साल का था, लाल रंग का चेहरा था, खुशनुमा लग रहा था और थोड़ा सा थिक अबाउट द मिडिल, ठीक ठाक था, ना मोटा ना ज्यादा कमजोर। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत गंदे थे और काफी पुराने लग रहे थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैन यू लाफ्ड एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, और उसका जो फ्रेंडली लेवर मैनर था उससे ये साफ पता चल रहा था कि उसे लोगों से मिलना पसंद है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लटकिंस, और मैंने उसको जाके कहा कि मैं ऑलिवर लटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ऑलिवर लटकिंस। लटकिंस आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन ईयर एन आवर अगो, और अब वो एक यंग लॉयर था जो कि विलेज में समन्स देने आया था ऑलिवर लटकिंस को। और जब लटकिन ने ये बात सुनी, वो हैक ड्राइवर ने जब ये बात सुनी, उसका नाम सुना लटकिंस, और तो उसने कहा कि अरे मैंने उसे आधा घंटा पहले इधर उधर घूमते हुए देखा था। हार्ड फेलर टू कैच दो, और हालांकि उस व्यक्ति को पकड़ना, उस बंदे को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और उधर, वो इधर उधर ही रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ इट्स शॉप, वो बस मुझे पूरा अंदाजा है कि वो एक पोकर गेम खेलने की शुरुआत कर रहा होगा, तैयारी में होगा फ्रिट्स की शॉप के पीछे। अब यहाँ पोकर, पोकर इज अ कार्ड गेम, ठीक है, ताश की गेम होती है पोकर। और फ्रिट्स यहाँ शॉप का, उस व्यक्ति का नाम है जिसकी शॉप पर उसने कहा है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, ऑफिस हैक ड्राइवर ने नरेटर से कहा कि अच्छा मुझे बताओ, ढूंढते हो उसको, लेकिन ये बताओ क्या तुम जल्दी में हो लटकिंस को ढूंढने के? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. कहा जल्दी है, मुझे शाम की जो है ट्रेन पकड़नी है और बड़ा जरूरी काम है और सीक्रेट भी है, मैं नहीं बता सकता। आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टूगेदर एंड फाइन लटकिंस। अब उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें जल्दी है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास हैक है, मैं उसको ले आता हूँ और हम फिर सारे शहर में घूम कर लटकिन को ढूंढेंगे। I know most of the places he hangs out. मुझे ज्यादातर वो जगह पता है जहाँ वो घूमता रहता है या जाता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. और वो इतना friendly था, इतना open up हो गया मेरे साथ एकदम कि मैं उसका वो behavior देखकर, बहुत affection देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी help करने के लिए ready है। हाँ, हालांकि मैं ये भी जानता था कि इसके पीछे उसका business है, यानी हैक लाएगा तो उसका मुझसे फेयर भी लेगा, लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी वो मुझे सचमुच रियल लग रही थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और फिर मुझे था कि हाँ मुझे हैक की जरूरत तो पड़ेगी, तो इधर उधर किसी और को पैसा दूं तो इस अच्छे इंसान को क्यों ना। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, और फिर हम लोगों ने बार्गेन किया फेयर के बारे में, तो जो बार्गेन सेट हुई, फिक्स हुई, वो हुई कि वो एक घंटे के $2 लेगा मुझसे। और फिर वो अपने घर जाकर जो पासी में था वहां से एक बड़ा सा ब्लैक बॉक्स ले आया व्हील्स के ऊपर, इट मींस हैक को ले आया। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन हैज द करेज, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और फिर वो मेरे पास आकर उसने एक ब्रॉड सा स्माइल देकर मुझसे कहा कि चलो यंग मैन, ये रहा मेरा कैरेज, और उसकी इस ब्रॉड स्माइल को देखकर मुझे ऐसा लगा मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। These villagers are so ready to help a stranger, और ये गांव वाले कितने तैयार रहते हैं किसी भी अजनबी की हेल्प करने में। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me, और इसने ये खुद का ही टास्क बना लिया था कि, यानी अब वो खुद का ही काम बना लिया था, मैं जो काम करने आया था यानी लटकिंस को ढूंढने का। He said, I don't want to interfere, young fellow. But my guess is that you want to collect some money from Lutkins. तो अब वो वहां पर कहता है ड्राइवर नरेटर से कि हालांकि मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उससे कुछ पैसा लेने आए हो, जो उसने तुमसे ले रखा होगा वो पैसा वापस लेने आए हो। यू नो वो पेज एनीबडी अ सेंट, वो कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता। He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. उसने मेरा पोकर के गेम का 50 सेंट उधार है उसके ऊपर, वो देना है, और मैं ही बेवकूफ था जो मैं उसके साथ खेला। It's not really bad, but it's hard to make him part with his money. हालांकि वो बुरा नहीं है, लेकिन वो अपने पैसे से अलग होना नहीं चाहता, means उसे पैसा निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you.
अगर तुम इन कपड़ों में, क्योंकि वो लॉयर की तरह गया था वहां, उसको ढूंढने की कोशिश करोगे पैसा मांगने के लिए, तो वो उसको शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर भाग जाएगा. इफ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फिट्स एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. अगर तुम चाहो तो मैं फिट्स की शॉप में अंदर जाकर उसके लिए उसको पूछाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरे पीछे छुपकर रहना उसकी नजरों से दूर. आई लव हिम फॉर दिस. By myself, I might never have found Ludkins. Narrator कहता है मुझे इस चीज वो उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि शायद मैं अकेला उसको ढूंढ ही नहीं पाता. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Ludkins. That the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case. और तब उसे पूरा विश्वास हो गया narrator को, तो उसने उसको बता दिया कि वो Ludkins से पैसा लेने नहीं आया है, वो तो सिर्फ summons serve करने आया है क्योंकि Ludkins की जरूरत उसकी फर्म को एक केस के लिए है. अगर वो एज अ विटनेस वहां अपियर हो जाएगा तो उनका जो केस है वो बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा. द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड. और वो जो ड्राइवर था वो बड़े ध्यान से मेरी सारी बात सुन रहा था सीरियसली, और फिर उसने मेरे शोल्डर पे पैट किया, थोड़ा सा हिट किया और बोला वेल वील गिव ब्रदर Ludkins अ लिटिल सरप्राइज. और फिर मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम Ludkins भाई को एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. और फिर नरेटर ने उसे कहा चलो स्टार्ट करो ड्राइवर. मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नसन. माय बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. और फिर वो हैक ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग मुझे बिल या मैग्नसन के नाम से पुकारते हैं, और मेरा जो बिजनेस है यानी जो मैं हैक के लिए लेकर आई हूँ, इस बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. आगे समझाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट एंड लाइक माय वीडियो. ऑलराइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. तो नरेटर ने उसको जवाब दिया कि ओके बिल, चलो अब हम आगे चलते हैं. यस, Ludkins इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल. आप बिल ने यहाँ पर उसको Ludkins के बारे में बताना शुरू किया कि हाँ Ludkins कहीं भी मिल सकता है, हमें कोई फिक्स नहीं है. हाँ वो बहुत ज्यादा पोकर गेम खेलता है और वो लोगों को धोखा देने में बहुत अच्छा है. यहाँ से इट सीम्स कि बिल को Ludkins की बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से वो उसको जानता है. बिल सीम टू एडमायर Ludkins टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. और ये भी लग रहा था कि जो डिसऑनेस्टी है, जो बेईमानी का एक टैलेंट है Ludkins के अंदर, बिल उसको एडमायर कर रहा था, प्रेस कर रहा था उस ट्रेड की. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Ludkins respectfully and jailed him with regret. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर Ludkins जो है, sorry, hack driver, अगर एक policeman होता तो वो Ludkins को बड़ा respectfully पकड़ता और जेल में डाल देता और उसके बाद पछताता रहता कि उसने ऐसा क्यों किया. Bill led me into Fritz. और Bill मुझे Fritz के पास ले गया. Have you seen Oliver Ludkins around today? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. और बिल ने खुश होते हुए उसे कहा कि क्या तुमने Oliver Ludkins को देखा सुबह से, और उसका एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है. Fritz looked at me hiding behind Bill. और Fritz ने मेरी तरफ देखा कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. थोड़ा सा वो हिचकिचाया और फिर उसने मान लिया कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही Ludkins यहाँ था. Guess he has gone over to Gustav's to get a shave. और फिर उसने कहा कि शायद मैं गेस कर सकता हूँ कि वो Gustav के शॉप पर गया होगा शेव करने के लिए. वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. अच्छा वो आता है तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था. वी ड्रोव टू Gustav's बार्बर शॉप. अगेन बिल वेंट इन एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. अब हम Gustav की बार्बर शॉप पर गए, दोबारा से बिल अंदर गया और मैं बाहर इसका इंतजार करता रहा दरवाजे के पास. ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीटी बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन Ludkins. उसने सिर्फ स्वीडी को ही नहीं, बाकी जो दो कस्टमर्स वहां बैठे थे Gustav की शॉप में, उनको भी पूछा कि क्या Ludkins को उन्होंने देखा है. The Swede had not. स्वीडी ने नहीं देखा था. He said angrily, I haven't seen him and don't care to. और उसने बड़े गुस्से में जवाब दिया कि मुझे मैंने उसको नहीं मिला हूँ सुबह से, और ना ही मुझे केयर है उससे मिलने की, ना मैं मिलना चाहता हूँ. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. अगर तुम उससे मिलते हो तो वो $35 जरूर कलेक्ट करना जो उसने मुझे देने हैं. One of the customers thought he had seen Ludkins walking down Main Street this side of the hotel. और एक कस्टमर ने कहा कि शायद उसने Ludkins को मेन स्ट्रीट पर होटल साइड पर जाते देखा.
As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shop. अब जब हम हैक की तरफ वापस गए बैठने के लिए, तो बिल ने ये अंदाजा लगाया क्योंकि कि लटकिन को पैसा देना है गस्टॉफ का, तो पूरे चांसेस हैं कि जो ग्रे है उसको लगा कि शायद फिर वो शेव ही करवाना है उसने, तो वो ग्रे की शॉप पर गया होगा। एट ग्रेस बाबर शॉप वी मिस लटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स। और जब वो ग्रे बाबर शॉप पर पहुंचे तो उन्होंने लटकिन को सिर्फ 5 मिनट से मिस कर दिया, यानी वो 5 मिनट पहले ही वहां से गया। He had just left probably for the pool room, और वहां उन्हें पता चला कि वो शायद pool room के साइड गया है। At the pool room, it appeared that he had just bought a packet of cigarettes and gone out. वहां जाकर उन्हें पता चला कि उसने सिर्फ एक पैकेट ऑफ सिगरेट खरीदा और यहाँ से चला गया। So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. और इसका मतलब हम उसका पीछा कर रहे थे लेकिन उसको कैच नहीं कर पा रहे थे, और इतने में एक बज चुका था। I was hungry, मुझे भूख लगी थी, but I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. लेकिन मैं यहाँ बिल की कंपनी को इतना enjoy कर रहा था, जिस तरीके से वो उस गांव के बारे में अपने opinions, अपने neighbors के बारे में अपने views दे रहा था, तो मुझे care ही नहीं था कि मैं लटकिन को ढूंढ पाया हूँ या नहीं। How about something to eat? I suggested. Let's go to a restaurant. I will buy you lunch. चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं और कुछ खाते हैं, मैं तुम्हारे लिए भी लंच बाय कर दूंगा। Well, I ought to go to home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they are all bad. तो हैक ड्राइवर ने कहा, बिल ने कहा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी के पास घर जाऊंगा और मुझे इन रेस्टोरेंट्स का खाना पसंद नहीं है, यहाँ सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट्स और सारे के सारे खराब गंदे हैं। They tell you what we'll do. मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। We'll get the wife to pack a lunch for us. She won't charge you more than $0.50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. And we'll go up to Wade's Hill and enjoy the view while we eat. अब हम क्या करेंगे कि मैं अपनी वाइफ से कहूँगा कि वो हम दोनों के लिए लंच पैक कर दे और वो तुमसे $0.50 से ज्यादा नहीं लेगी। वो कम से कम उस ग्रीजी उस ऑयली खाने से तो बहुत अच्छा होगा जो तुम रेस्टोरेंट में जिसके लिए पे करोगे। और फिर हम उस पैक लंच को लेकर वेड हिल पर चलेंगे, वहां बैठकर हम व्यू देखेंगे कंट्री का और खाना खाएंगे। आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। मुझे पता था कि बिल जो मुझे मदद कर रहा था वो सिर्फ ब्रदरली लव ही नहीं था, कि कोई यंग फेलो सिटी से आया है तो वो उसका सिर्फ भाईचारे में मदद कर रहा था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour. और मैं उसको उसके टाइम के लिए पे कर रहा था, और लंच के बाद जब एंड हो गया मेरी जर्नी का, तो मैंने एंड ऑफ द डे उसको 6 hours का पे किया, यानी $12 पे किया, और जिसमें कि वो लंच आवर भी इंक्लूडेड था। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस। और उस समय ये $12 बहुत हाई प्राइस था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वो मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था। अभी तो ये कह रहा है कि मुझसे ज्यादा बेईमान नहीं था। लेटर ऑन द नरेटर विल कम टू नो कि व्हाट ही इज अबाउट। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि मुझे ये सारा चार्ज फर्म से मिल जाता। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। कह रहा है लेकिन मैं उसको इतना पे कर रहा था तो इट इज वर्थ, ये इस लायक भी था क्योंकि मैं उसकी प्रेजेंस को बड़ा एंजॉय कर रहा था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. उसका जो cheerful wisdom था, जिस समझदारी की बातें वो कर रहा था, मेरे जैसे country boy के लिए बड़ा refreshing था, क्योंकि मैं city की life से। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Milan and painted a picture in words of all the people in it. और जब वहाँ हिल टॉप पर बैठकर हम खाना खा रहे थे, पेशर्स को यानी मैदानों को देख रहे थे और क्रीक को देख रहे थे। क्रीक क्या होता है? एक शॉर्ट आर्म ऑफ रिवर होती है जो सी में मिलने से पहले बनती है, और ये क्रीक जो होती है ये ट्रीज के बीच में से जा रही थी। तब उसने मुझे न्यू मिलन के बारे में बताया और वहां के लोगों की पिक्चर उसने वर्ड्स में मेरे सामने क्रिएट करके रख दी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. और वो बड़ा keen observer था, सारी चीजें notice करता था, लेकिन चाहे वो जितना मर्जी लोगों के ऊपर हंस ले, जैसे उसने picture create करके मेरे सामने बताई, लेकिन वो उन लोगों को अच्छे तरीके से समझता था और उनकी बेवकूफी के लिए उन्हें माफ भी कर दिया था।
शी डिस्क्राइब, और उसने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में भी बताया जो कि बहुत ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगती है चर्च में, क्लर्गी मैन की वाइफ के बारे में बता रहा है कि जब वो उसको बहुत पैसा देना होता है किसी का, वो उधार में होती है, तो ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स. उसने उन बच्चों को भी डिस्क्राइब किया और लड़कों को जो कि कॉलेज में अलग अलग तरीके से कपड़े पहनकर आते हैं. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड टाई ऑन द सेम टी. और उसने उस लॉयर की वाइफ के बारे में भी बताया जो कि अपने पति के लिए यानी लॉयर के लिए कॉलर और टाई दोनों एक दिन में कभी भी ढूंढ कर नहीं दे पाती. कॉलर क्या होता है, ये टाई से अलग होता है, बोसा एक बना होता है, टू क्लोथ्स की एक पट्टी बंधी हुई होती है गले में बांधने के लिए लॉयर्स के. वो ही मेड देम ऑल अलाइव, और इसने बिल ने मेरे सामने इन सबको लाइव यानी जिंदा कर दिया अपने वर्ड्स के थ्रू. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. और उस दिन मैं शहर से भी ज्यादा अच्छे तरीके से न्यू मिलियन को समझ पाया और उसको और अच्छे से पसंद कर पाया. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री एंड हैड हैड अ लॉट्स ऑफ जॉब. बिल ना तो कभी कॉलेज गया था ना कभी शहर गया था, हाँ लेकिन वो बहुत सारी जगह घूमा हुआ था और कई तरीके की जॉब्स उसने किया था तो उसको सब चीजों की नॉलेज थी. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. और उन्हीं एडवेंचर से, जो एडवेंचर्स उसने जगह जगह घूम के डिफरेंट जॉब्स के थ्रू उसने किए थे, उन्हीं से वो फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी, वो जितना साधारण था जो फिलॉसफी मुझे बता रहा था जिंदगी के बारे में वो मुझे समझ में आ रहा था. और लाफर, लाफर होता है वो व्यक्ति जो हंसता है, और वहां उसकी हंसी से ही स्ट्रेंथन्ड मी, और उससे मुझे ताकत मिली. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स एंड रिज्यूम्ड अवर सर्च फॉर ऑलिवर लटकिन. अब हमने वो पीसफुल सीन जो था मेडोज का, वुड्स का, जंगल का, वहीं छोड़ा और हम ऑलिवर लटकिन की खोज में चल दिए. वी कुड नॉट फाइंड हिम, हमें वो नहीं मिला. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिन्स एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. और उसके बाद बिल ने लटकिन के एक दोस्त को पकड़ा और उसको कॉन्फिडेंस में लेकर पूछा कि आखिर वो कहाँ गया होगा, और उसने गेस करके बताया कि वो ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. शायद ऑलिवर अपनी मदर के फार्म हाउस पे गया होगा जो कि यहाँ से 3 miles नॉर्थ की साइड है. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम वहां रास्ते में प्लान बनाते हुए उस तरफ चल दिए. I know Oliver's mother, she is a tarab, Bill's side. I took a trunk out of there for her one and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. कहता है मुझे ऑलिवर की मदद से, मदर से मैं मिला हूँ, मैं जानता हूँ वो बड़ी भयानक है, बड़ी भयंकर है, डरावनी है. और फिर उसने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा कि एक बार मुझे उनका ट्रंक ले जाना था तो उन्होंने तो बल्कि मेरी जान निकाल दी थी. स्किन ऑफ का मतलब इट्स यू नो फ्रेज, कि मेरी जान निकाल दी थी. वो तो उस ट्रंक को इस तरीके से ट्रीट कर रही थी कि वो बॉक्स ऑफ एग्स हो. मीन्स एग्स बहुत डेलिकेट होते हैं, जरा सा भी किसी चीज से टच हो जाए तो वो टूट क्रैक हो सकते हैं. तो इसी वजह से वो कह रहा था कि ट्रंक को ऐसे कर रही थी जैसे वो बॉक्स हो एग्स का. शी इज अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी श्योर कैन टॉक. वो 9 feet लंबी, 4 feet चौड़ी थी और बिल्कुल एक कैट की तरह क्विक थी. हाँ, बट एक ऐसी कैट जो कि बात कर सकती थी. I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him. और मैंने ये सुना, ये भी सुना था, कहता मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऑलिवर को ये पता चल गया होगा कि कुछ कोई लोग कुछ कोई इसको ढूंढ रहा है. एंड ही हैज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स कट. और वो फिर अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपने के लिए चला गया होगा. वेल विल ट्राई हर बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय. यू मे बी ग्रेजुएटेड लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्विमिंग. लेकिन वहां जाकर तुम मुझे ट्राई करने देना बच्चों लेडी के साथ, क्योंकि हाँ तुमने लिटरेचर पढ़ा होगा, तुमने किताबें पढ़ी हैं, तुमने लॉ पढ़ा है, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग नहीं होगी सुनने में. स्विर मीन्स टू यूज वर्ड्स दैट आर रूड और ऑफेंसिव, जैसे गाली गलौज. तो कहते तुम गाली गलौज में इतने अच्छे नहीं होगे. ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड लेडी. और फिर हम एक बड़े शैबी से फार्म यार्ड में गए और वहां पर हमें एक बड़ी ह्यूज बट चीयरफुल बुढ़ी औरत मिली. माय गार्ड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, और मेरा जो गाइड था यानी कि बिल, वो बड़ा ब्रेवली उसके पास गया, लेडी के पास, बोला रिमेम्बर मी, आई एम बिल मैग्नसन द कार्टर एंड हैकमैन. कि मैं बिल मैग्नसन हूँ वो कार्टर और हैकमैन. आई वॉन्ट टू फाइंड यूर सन ऑलिवर, मैं आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढ रहा हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर, आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउट, चिल्लाकर वो बोली मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती. नाउ लुक हियर, we have had just about enough nonsense.
This young man represents a court in the city, and we have a legal right to search all properties for this Oliver Ludkins. और फिर बिल ने उसको बोला कि देखो बहुत नॉनसेंस हो गया, बहुत बकवास हो गई, हम सुबह से उसको ढूंढ रहे हैं, और ये जो यंग मैन आया है, जो आदमी आया है, ये कोर्ट से आया, शहर से, इसके पास पूरा लीगल राइट है कि वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है ओलिवर लटकिंस के लिए. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल ने मेरी बड़ी इंपॉर्टेंस शो की उसके सामने. एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और लग रहा था कि वो वुमेन इम्प्रेस हो गई. शी रिटायर्ड इनटू अ किचन एंड वी फॉलोड, वो किचन में गई और हम उसके पीछे पीछे गए. शी सीज iron from the old fashioned stove and marched on us shouting, you search all you want to if you don't mind getting burned first, she shouted and laughed at our frightened retreat. ab usne kya kara, wo kitchen mein jaake purane se stove ke andar se ek sariya nikala hi lohe ka, aur fir usne hamare par attack kiya aur boli ki ha ha zarur zarur tum dhoondo, sab jagah dhoond lo jahan dhoondna chahte ho, lekin pehle apne aap ko bacha lo jalne se. और वो जोर से चिल्लाई और हंसने लगी हमारे डरे हुए रिट्रीट पर, जिस तरीके से हमने बिहेव किया वहां पर. लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड. और बिल ने मेरे कान में कहा कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं, तो हमारा मर्डर कर देगी. आउटसाइड ही सैड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. और बाहर आके उसने कहा कि देखा तुमने उसको कैसे स्माइल कर रही थी, वो हमारा मजाक उड़ा रही थी. आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वी डिड, हाउएवर सर्स द हाउस. हालांकि मैंने माना कि हाँ सचमुच बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था उनका ट्रीटमेंट हमारे प्रति, लेकिन फिर भी हमने सारे घर को ढूंढा. सिंस इट वाज ओनली वन स्टोरी हाई, बिल वेंट अराउंड इट पीयरिंग इन एट ऑल द विंडोज. और क्योंकि सिर्फ एक सिंगल स्टोरी था, तो बिल घर के चारों तरफ घूमकर पीछे तरफ भी गया, उसने सारी विंडोज से झांक झांक कर देखा. वी एग्जामिन्ड द बार एंड स्टेबल, वी वर रीजनेबल सर्टेन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर. हम उसके बार्न यार्ड में जाने, जहाँ चारा रखा जाता है वहां पर, स्टेबल जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहां पर, सब जगह गए, लेकिन अब हम सर्टेन हो गए थे, हमें विश्वास हो गया था कि लटकिंस वहां नहीं था. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड विल ड्रो मी टू द स्टेशन. और अब लगभग शाम हो चुकी थी, अब मुझे आफ्टरनून की ट्रेन पकड़ना था, तो बिल मुझे स्टेशन पर वापस ले आया. ऑन द वे टू द सिटी आई वॉरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस. I was too busy thinking about Bill Magnuson. और रास्ते में जब मैं शहर की तरफ जा रहा था, तो मैं अपनी फेलियर मीन्स कि वो लटकिंस को नहीं ढूंढ पाया, उस चीज के लिए बिल्कुल भी वरीड नहीं था. और चिंता उसे वो किस चीज की बात सोच रहा था, वो सिर्फ बिल मैग्नसन के बारे में सोचे जा रहा था. Really, I considered returning to New Milan to practice law if I had found Bill so deep and richly human. Might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken, simple and wise neighbors? अब वो सोच रहा था कि सचमुच मुझे थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि क्यों ना मैं अपनी प्रैक्टिस जो है न्यू मिलियन में शुरू कर दूं लॉ की. जब बिल उसको इतना डीपली और रिचली ह्यूमन, मतलब इतना गहरा, इतना अच्छा इंसान मिला, तो हो सकता है धीरे धीरे वो फ्रिट्स और गस्टाफ से भी प्यार करने लगे, यानी उन्हें पसंद करने लगे, और भी जो नेबर्स हैं वहां पे, जो समझदार हैं, सिंपल हैं, स्लो स्पोकन हैं, उन सभी लोगों से उसकी जान पहचान हो जाए और अच्छी बनने लगे. I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. और अब मेरे सामने एक पिक्चर क्रिएट हो चुकी थी मेरी उस जिंदगी की, जो कि ऑनेस्ट और हैप्पी होगी इन सभी लिमिट्स से, इन सभी चीजों से जो कि यूनिवर्सिटी और लॉ फर्म की है. जो डर्टी और शेडो जगह में मुझे जाना पड़ रहा था, उन सब से मैंने एक अलग पिक्चर क्रिएट की लाइफ की. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. बहुत एक्साइटेड था, मुझे खजाना मिल गया था और अब मैं एक जिंदगी नए तरीके से शुरू करने वाला. बट इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड, कहता लेकिन अगर मैं लटकिंस के बारे में नहीं सोचता, लेकिन ऑफिस वाले तो सोचते हैं. आई फाउंड देम ऑल अपसेट. नेक्स्ट मॉर्निंग द वाज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लटकिंस. और जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग बहुत अपसेट थे, क्योंकि अगले दिन वहां पर वो केस जो है कोर्ट में पेश होना था, और वहां उस केस के लिए हमें लटकिंस की बहुत जरूरत थी. आई वाज अ शेमलेस यूजलेस फूल, और मैं वहां पर बेशरम और यूजलेस बेवकूफ की तरह वहां खड़ा रहा. दैट मॉर्निंग माय प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन. और उस दिन मेरा वो प्रॉमिसिंग करियर जो एज अ लॉयर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, जो मेरा बॉस था वो लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया था. He hinted that I might do well at digging ditches. उसने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ गड्ढे खोदने के लायक हूँ, मैं ditches में जाके काम कर सकता हूँ.
I was ordered back to New Millen and with me went a man who had worked with Lutkins. मुझे वापस New Millen भेजा गया और अब मेरे साथ एक ऐसा इंसान था जो Lutkins के साथ पहले काम कर चुका था. I was rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. हालांकि मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे किसी और व्यक्ति के साथ वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि बिल से तो मैं मिलने वाला था, उस चीज के लिए मैं खुश था, लेकिन वो मेरी लॉफिंग, लॉफिंग मीन्स जो मैं टाइम मैंने एक आइडल वे में एक बड़ा एक प्लेजेंट सा टाइम व्यतीत किया था, पास किया था बिल के साथ, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज देयर इज वन अनदर मैन विद मी. When the train arrived at New Millen, Bill was on the station platform near his car. अगेन जब वो ट्रेन पहुंची न्यू मिलेन, बिल वहीं स्टेशन पर अपनी कार्ट के पास था. स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस Lutkins मदर वाज देयर टॉकिंग एंड लॉफिंग विद बिल, नॉट क्वारेलिंग एट ऑल. और लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, अजीब लगा मुझे कि वो जो बूढ़ी टाइग्रेस थी Lutkins की मदर, वो बिल से बहुत हंस के बातें कर रही थी, कोई झगड़ा नहीं हो रहा था. फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन एंड सेड, देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम. और फिर जब हम ट्रेन से नीचे उतरे, मैंने बिल की तरफ पॉइंट आउट करके अपने साथी को बोला जो मेरे साथ गया था कि देखो ये रहा वो फाइन फेलो, वो एक असली इंसान जिसके साथ मैंने कल का दिन बिताया. ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर Lutkin. और फिर उसके साथी ने पूछा कि क्या इस आदमी ने तुम्हें ओलिवर Lutkin को ढूंढने में मदद की थी. यस ही हेल्प मी अ लॉट, हाँ इसने बहुत मदद की. ही मस्ट हैव हिज Lutkins हिमसेल्फ, तो हाँ हाँ जरूर की होगी क्योंकि वो तो खुद Lutkins है. What really hurt me was that when I served the summons Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. और सबसे ज्यादा मुझे क्या दुख लगा, तब तो मैं सरप्राइज हो ही गया, शॉक्ड हो गया कि वो खुद Lutkins था, लेकिन जब मैंने समन्स दिए Lutkins को तो Lutkin और उसकी मदर मेरी तरफ ऐसे हंस रही थी कि जैसे मैं कोई बच्चा हूँ जिसको कोई अक्ल नहीं, इसको दुनिया का पता नहीं. With loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. और बड़े प्यार से बड़ी काइंडनेस से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके साथ उनके एक नेबर के घर में एक कप कॉफी पीने के लिए चलूं. आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्शियस टू लुक एट यू, सेड Lutkins जॉयफुली. Lutkin ने बड़ा खुश होकर कहा कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और वो बड़े ईगर है तुमसे मिलने के लिए. दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे, क्योंकि वही एक ऐसे रह गए कल पूरे शहर में जिन्हें जिनसे कि जो कि तुम्हें नहीं देख पाए कि तुम Lutkin के साथ होते हुए Lutkins को ढूंढ रहे थे. तो वो भी थोड़ा सा फन देखना लेना चाहते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया गया. तो यहाँ मैसेज है ये चैप्टर का कि जो हम कंट्री लोगों को, जो गांव के लोग होते हैं उनको इलिटरेट समझते हैं या बैकवर्ड समझते हैं, उन्हें लगता है कि कोई अकल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, सबके जो कॉमन सेंस है वो बहुत कुछ सिखाती है, आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है. हालांकि कई बार ओलिवर ने, बिल ने बहुत सारे ऐसे उसको हिंट्स दिए जिससे उसे शक हो जाए, लेकिन वहां लॉयर, वो अपने आप को लॉयर जरूर कह रहा है नरेटर, बट ही इज नॉट बिहेविंग लाइक अ स्मार्ट लॉयर. उसने ये भी कहा कि वो पैसे से अलग नहीं होना चाहता, वो पोकर खेलता रहता है, वो यही होगा. और बड़ी ट्रिकली उसने उसे वो बात भी निकलवाई कि आखिर वो उससे क्यों मिलने आया. हर जगह शॉप पर जहां वो जा रहा है उसने लॉयर को आगे नहीं आने दिया, लेकिन लॉयर को कहीं भी शक नहीं हुआ. दिस इज अ चैप्टर ऑल अबाउट. बट बिफोर लीविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. थैंक यू एंड बाय.